सानिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा सदस्य के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इसकी पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में, और फिर हमने स्टार्ट की थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आपके विसर्ग पहचान क्या है, कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर आपकी संधि कौन सी हुई थी, विसर्ग संधि हुई थी। विसर्ग के जो आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है वो एक है ऋतु संधि का, सत्व का, आपके उत्व का, और एक है लोप संधि का। हमने इसके पिछली क्लास में पढ़ा था ऋतु संधि के बारे में। अब हमने पढ़ा कि विसर्ग हो यानी पूर्व पद में विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में यदि कोई भी स्वर है या फिर तीसरा मतलब पांचवा या फिर आपके य र ल ब और भ हो तो विसर्ग का र हो जाता है। आज हम विसर्ग के दूसरे टॉपिक पर जाएंगे और उसका नाम क्या है, सत्व संधि। क्या कहती है सत्व संधि, आइए जाने इसके बारे में। तो सत्व संधि का टॉपिक आज क्या है, सत्व संधि, तो उसका सबसे पहले जानते हैं सूत्र क्या है। सूत्र है कि विसर्जन्य यस्य स, विसर्जन्य यस्य स क्या कहता है, विसर्जन्य यस्य स ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में यानी कि आपके जो पूर्व पद में है वो क्या होगा, विसर्ग होगा। पूर्व पद का जो विसर्ग होगा उसके बाद में खर प्रत्यय के वर्ण, खर प्रत्यय के वर्ण के बारे में बात करें तो खर प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको पहले पढ़ा था कि खर प्रत्यय में आपके जो वर्ण आने वाले हैं खर प्रत्यय में, वो खर प्रत्यय वर्ण आएंगे आपके वर्ग का पहला, दूसरा और तालव्य, मूर्धन्य और दंतीय स। ये तीन सर आपके खर प्रत्यय होते हैं। वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला सर तत्पर्य है कि प्रथम वर्ण, दूसरा तत्पर्य है द्वितीय वर्ण। प्रथम वर्ण कौन कौन से आपके, प्रथम वर्ण आपके हैं क है, क च ट त प, क च ट त प ये हो, या फिर द्वितीय वर्ण में ख फ च ठ थ, ख प च ट थ और क प च ट त। अगर एक ये हो तो होता क्या है, खर प्रत्यय अर्थात प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा या स स स हो तो विसर्ग का या तो यस हो जाएगा या मूर्धन्य स हो जाएगा या दंतीय स हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आप तीन स्वर कैसे होंगे, कब कौन सा स्वर का प्रयोग करना है, किस समय कौन सा स्वर आएगा। मैंने कहा कि विसर्ग के स्थान पे आपको या तो तालव्य स्वर हो जाएगा या मूर्धन्य स्वर हो जाएगा या दंतीय स्वर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है। तो आपको मैं बात आएगी कि आपको कब कौन सा स्वर लगाना है, कब तालव्य लगाना है, कब मूर्धन्य लगाना है, कब दंतीय स्वर लगाना है। तो हमने यहाँ पे इसको तीन प्रकार समझाया कि आपको कब तालव्य का प्रयोग करना है, कब मूर्धन्य का प्रयोग करना है और कब आपको दंतीय स्वर का प्रयोग करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तालव्य स्वर के बारे में, फिर पढ़ेंगे मूर्धन्य स्वर के बारे में और फिर पढ़ेंगे अपना दंतीय स्वर के बारे में। तो देखें नियम क्या बात, देखें तो नियम ये कहता है कि विसर्ग के बाद में ये विसर्ग है यानी पूर्व पद में विसर्ग है और पर पद में खर, खर का अर्थ आता है पहला दूसरा, मैं आपको कैसे करता हूं दूसरा, वर्ग के प्रथम वर्ण और वर्ग के द्वितीय वर्ण, और तीनों स्वर में से कोई भी होने पर होता क्या है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का स तालव्य, स मूर्धन्य, स दंतीय हो जाता है। पहली कंडीशन आगे जाने क्या है, पहली कंडीशन है कि हम पढ़ रहे हैं विसर्ग सत्व को तीन भागों में बांटा है। सत्व की पहली कंडीशन क्या है कि विसर्ग होगा, विसर्ग बाद में है तो तालव्य स या स या छ, तो क्या हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है आपके स, यानी ये स हो जाता है, कौन सा स हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। कब, इन तीन वर्णों के होने पर, इन तीनों स के होने पर आपके क्या सी वाला स के होने पर क्या बन जाएगा, शिवजी वाला स हो जाएगा। तो देखें उदाहरण क्या हो जाए, तो देखें उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है नी प्लस च, तो देखें कंडीशन के ऊपर आइए, कंडीशन क्या है, ये विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आपका स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा विसर्ग के बाद में, तो आपके विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे आपका हो जाएगा सी वाला स हो जाएगा, आधा है आधा जाएगा, तो नी और नी
के बाद में आपके ये सर जुड़ जाएगा और ये चय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? निश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय। नेक्स्ट देखो नी प्लस रूल का क्या करेंगे, नी प्लस रूल का तो देखो विसर्ग है, विसर्ग बाद में सर है सीजी वाला, तो कौन सा सर आएगा? आपके सीजर से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? निःशुल्क। ये निःशुल्क शुद्ध रूप है अपने। ये देखो नी प्लस छल, तो क्या करो नी प्लस छल का, ये देखें छ है और ये विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? निच्छल। इसी तरह अब देखो छिर छेद, ये छिर छेद से है, छिर छेद, छिर छेद, तो क्या करेंगे अपन छिर छेद का, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सिर प्लस छेद। इसी तरह पढ़ के दुशासन, क्या करेंगे दुशासन का, तो हो जाएगा आपका दुहु धन शासन। ये थी आपकी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन आप देखा कि तालव्य स कब बनेगा, तब तक बनेगा जब आपके विसर्ग के बाद में स च और च हो, तो विसर्ग स्थान पर आपका सीजी वाला स हो जाता है। अब आए दूसरी कंडीशन की ओर, तो दूसरी कंडीशन कहते हैं कि आपका पूर्व पद विसर्ग होगा, विसर्ग बाद में स ट थ, यानी ये मूर्धनि वर्ण है, या क ख प और ख, क ख कंठ वर्ण है, प ख आपके ओष्ठ वर्ण है, यानी विसर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य कंठ्य या ओष्ठ आने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपके स हो जाएगा षटकोण वाला, या स हो जाएगा आपका मूर्धनि स हो जाएगा। कैसे होगा देखें, ये विसर्ग है, विसर्ग है पूर्व पद में, उत्तर पद में, द्वितीय पद में क्या आपका आ रहा है? तब आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये चेंज होगा, विसर्ग होगा, तो विसर्ग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? आदि हलंत वाला विसर्ग है तो धनुष्टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष्टंकार। इसी तरह बात करें नी प्लस पाप की, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग है, बाद में प आ रहा है, ओष्ठ वर्ण है, प आगे से पहला वर्ण आ रहा है, खल प्रत्याय में पहला वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? निष्पाप, ये आपका निष्पाप से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? निष्पाप। नेक्स्ट देखें नी प्लस फल, ओष्ठ वर्ण है, द्वितीय वर्ण है वर्ग का, विसर्ग आ रहा है, चयन करेंगे विसर्ग को स के रूप में, कौन सा आएगा? मूर्धनि स आएगा, तो क्या बन जाएगा? निष्फल। और फिर आपका क्या है? नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक, नी आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? क आ रहा है, कंठ्य वर्ण है, वृत्त का पहला वर्ण है, विसर्ग चयन होगा, किसमें होगा? मूर्धनि स में होगा, तो क्या बन जाएगा? निष्कलंक, निष्कलंक, क्या जाएगा? निष्कलंक। आगे देखें दो सर पढ़ लिए हमने, तालव्य स और मूर्धन्य स, अब देखें आगे तीसरी कंडीशन में कि तीसरे में दंत्य स कब आता है। आपने देखा पहला स जो तालव्य है, जो तालव्य वर्ण आने पर तालव्य स का आगमन होगा विसर्ग के स्थान पर, और यदि विसर्ग के बाद में आपके मूर्धन्य वर्ण हो, कंठ्य वर्ण हो या ओष्ठ्य वर्ण हो, तो आपके मूर्धन्य स का आगमन होगा विसर्ग के स्थान पर। तीसरी कंडीशन क्या कहती है देखें, तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आएगा आपका? दंत्य स, दंत्य त या दंत्य थ, यानी दंत्य वर्ण आने पर, दंत्य वर्ण आने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका? स हो जाता है, विसर्ग का दंत्य स हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा। देखें नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, तो नमा प्लस ते में क्या हो जाएगा आपका? ये देखें आप विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? त आ रहा है, त कैसे आ रहा है? दंत्य आ रहा है, दंत्य त आने पर कौन सा स आएगा? दंत्य स आएगा, तो दंत्य स आगम करेंगे तो नमा का नम विसर्ग घटेगा, विसर्ग स्थान पर कौन सा आएगा? दंत्य आएगा, ये दंत्य त क्या हो जाएगा आपका? नमस्ते। अब देखें नेक्स्ट क्या आ रहा है, देव प्लस त्राता, देव प्लस त्राता, तो आप कहेंगे सर ये तो खल प्रत्यय है ही नहीं, इनमें से कोई वर्ण है नहीं, ना यहाँ पर स आ रहा है, ना त आ रहा है, ना ध आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा सकागम करेंगे? तो देखें हमने पढ़ा है कि हमारे
वर्णमाला में सात शब्द का अक्षर होते हैं। आपको मालूम है कि त के साथ में र बनने पर क्या हो जाता है, तर हो जाता है। इसी प्रकार क के साथ में स बनने पर क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। ज के साथ में य आने पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपके स के साथ में र आने पर क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। ये कंडीशन होती है। अब यहाँ देखिए अपन, तो यहाँ ये कह रहा है वर्ण क्या होना चाहिए, दंती वर्ण होना चाहिए। तो तर का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तर का निर्माण किससे हुआ है, त से हुआ है। तो पहला वर्ण कौन सा है, त है। तो त होने से कौन सा स्वर आएगा, दंती स्वर आएगा। इसका क्या हो जाएगा, देव का देव है, विसर्ग का हटेगा तो सर का आगम होगा दंती का, तो क्या हो जाएगा, देवस्त्राता, क्या हो जाएगा, देवस्त्राता। उसी प्रकार देखें नी प्लस सरति, नी प्लस सरति का क्या करेंगे, तो देखें अपन विसर्ग है, विसर्ग कौन सा स्वर है, दंती स्वर है। दंती स्वर होने पर स का आगम, कौन सा स का, दंती का आगम, तो क्या हो जाएगा, नी स सरति, नी स सरति। उसी प्रकार बालक सरति, बालक प्लस सरति में क्या करेंगे, ये विसर्ग आ रहा है, इसके बाद त आ रहा है, तो कौन सा आगम करेंगे आप, स का, दंती स्वर का आगम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बालक सरति, बालक सरति। अब क्या है, अब आपको दो वर्णों क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो देखो पहचान क्या है, आपको शब्दों की पहचान ही मिलेगी, या तो आपको शब्द में क्या मिलेगा, तालव्य स सृजु वाला, या सत्वर्ण वाला स मूर्धन्य, या स सलेप वाला अपना दंतीय। तो देखें यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, ये स्वर आ रहा है दंतीय। यहाँ से आप बोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इत प्लस ततः, इत प्लस ततः। उसी प्रकार यहाँ से देखें अपन, ये स का आगम है, स का आगम विसर्ग स्थान पर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सिरह प्लस त्राण, हेलमेट के लिए आता है सिर प्लस त्राण, सिर की रक्षा करने वाला। तो ये आपको कौन संधि थी, सत्व संधि थी। यहाँ में तीन संधि के नियम एक ही था, संधि एक ही थी, लेकिन उसको तीन उप नियम बांट के पढ़ा ताकि आपका सही समझ आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।